विधानसभा चुनाव सामने है और सभी के दिलो दिमाग में बस एक ही सवाल, मध्य प्रदेश में आखिर किसकी सरकार। वैसे सर्वे और अटकलों के बाजार में कांग्रेस का परचम तनिक तना हुआ है, लेकिन उज्जैन की धरा से झांकता इतिहास, सिंहस्थ के ग्रह नक्षत्र और सितारे ये चुगली कर रहे हैं कि अगली सरकार मतलब साल 2023 के इस चुनाव में जीत भाजपा के पाले में ही होगी। मिथक होता है ना, कई बार वर्तमान के धरातल पर खड़ा हो फैसले की दिशा और दशा पलटता हुआ सा प्रतीत होता है। तभी तो सामान्य जीवन हो या फिर राजनीति का गहरा मैदान, मिथकों की चर्चा होना वो बेशक एक हद तक उसकी स्वीकारता बहुत आम होती है। और अब यही मिथक जो उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ से जुड़ा हुआ है वो सुनिश्चित कर रहा है कि इस बार फिर भाजपा सरकार। दरअसल 92 के बाद से अब तक सभी सिंहस्थ महापर्व का आयोजन बीजेपी सरकार की अगुवाई में ही संपन्न हुआ है और आने वाला सिंहस्थ अप्रैल मई 2028 में आयोजित होगा। तीन सिंहस्थ से चली आ रही यह परंपरा माना जा रहा है कि आगे भी कायम रह सकती है। मिथक सिर्फ भाजपा सरकार का ही नहीं बल्कि एक और भी है, और वो है सिंहस्थ के दौरान मुख्यमंत्री को बाद में अपने पद से हटना पड़ जाता है, और इसकी गवाही साल 2018 ने भी दी जब ठीक सिंहस्थ के बाद सीएम शिवराज की विदाई तय हो गई। समीकरण बहुत कुछ और भी कहते हैं। महालोक का निर्माण के बाद आध्यात्मिक नगरी उज्जैन में श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। मालवा निमाड़ अंचल में महालोक निर्माण से भाजपा का नफा होना तय शुदा माना जा रहा है। चलिए कुछ तथ्यों पर आते हैं जो कांग्रेस से जुड़े हैं। 1980 के बाद जब भी राज्य में सिंहस्थ का आयोजन हुआ तब सत्ता में कांग्रेस मौजूद नहीं रही। साल 2016 से सिंहस्थ के बाद कई मिथक आम हुए, कांग्रेस ने भी इसका खूब उपयोग किया, लेकिन भाजपा इसको लेकर कतराती सी रही। अटकलों के बीच परिणाम फिर चौंकाने वाले रहे थे और मिथक का इतिहास कायम रहा। सिंहस्थ के बाद मुख्यमंत्री हटने का मिथक 1968 से जुड़ा हुआ है। 68 के सिंहस्थ के समय गोविंद नारायण सिंह मुख्यमंत्री के पद पर थे, लेकिन 11 महीने के बाद ही मतलब 12 मार्च 1969 को इंदिरा और नेहरू कांग्रेस की उलझन में सिंह को अपना पद छोड़ना पड़ा। साल 1980 में होने वाले सिंहस्थ की तैयारी जनता पार्टी की पटवा सरकार की अगुवाई में की गई थी। अप्रैल में सिंहस्थ हुआ, लेकिन ठीक 7 महीने बाद ही बाबरी मस्जिद ढहाने के बवाल के चलते केंद्र ने पटवा सरकार को बर्खास्त कर दिया। आखिरकार फिर ये मिथक कायम रहा। साल 2004 में होने वाले सिंहस्थ का जिक्र भी आता है। अप्रैल मई में उमा भारती भारी जीत के बाद मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज हुई थी, लेकिन हुबली के फैसले ने मिथक को फिर जिंदा कर दिया। 22 अगस्त 2004 को उमा का आखिरकार इस्तीफा हो ही गया, यानी कि मिथक फिर कायम रहा। अब आया 2016, जब अप्रैल मई में शिवराज की अगुवाई में सिंहस्थ का कार्यक्रम हुआ, लेकिन सिर्फ 1.5 साल गुजरे और भाजपा को विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ गया। मतलब सिंहस्थ करवाने वाले सीएम शिवराज की विदाई हो गई। आखिरकार फिर ये मिथक कामयाबी की सीढ़ी चढ़ गया। मतलब मिथक ने अपने आप को हर बार साबित किया है। इस बार फिर आने वाले सालों में सिंहस्थ है और इसके ठीक पहले विधानसभा चुनाव। ऐसे में फिर यही माना जा रहा है कि ग्रह नक्षत्रों की छाओं में जीत का सहरा भाजपा के सिर बन सकता है। महाकाल की नगरी में महाकाल लोक के लोकार्पण के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उज्जैन आए थे, तब महाकाल के दर्शन के लिए जाते समय मंदिर प्रांगण में उनके साथ राज्य के दो चेहरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया साथ चल रहे थे। एमपी में बीजेपी ने बिना किसी चेहरे के सामूहिक नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरने का फैसला लिया है। महाकाल मंदिर में पीएम मोदी के साथ चल रहे दोनों चेहरों में मध्य प्रदेश के भविष्य के मायने छुपे हुए हैं। सिंहस्थ महापर्व की सफलता के गह नक्षत्र भी महाकाल लोक के लोकार्पण समारोह में तलाशे जा सकते हैं। अब इस बार सिंहस्थ और सत्ता का मिथक कितना कायम रहता है देखना बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन कम से कम भाजपा के चेहरे पर भरोसे की लहर लाने का सबब तो बन ही गया है।